दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है बहुत खास, तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, कभी कभी हमारे मोबाइल में नीचे टच बटन तीन रहते हैं, एक मेन मेन्यू का और एक होम बटन और एक बैक बटन। तो दोस्तों, कभी कभी ये काम करने बंद कर जाते हैं, तो इसके लिए हमें एक प्ले स्टोर की एप्लीकेशन आती है जिससे आपकी टच पर ही ऐसे बटन बन जाएंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको क्या करना है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ अपना प्ले स्टोर ओपन और यहाँ पर टाइप करता हूँ सॉफ्ट की होम बैक बटन। ठीक है, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। यह है एप्लीकेशन 2 MB की है, 1.9 MB की है और 1 मिलियन इसके डाउनलोड है, 4.5 की इसकी रेटिंग है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। दोस्तों, यदि आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि मेरी वीडियो एक लाइक ज़रूर कर दें, मुझे बस आपके एक ही लाइक काफ़ी है। तो दोस्तों, चलिए मैं एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह की है। यहाँ पर सबसे पहले हम सेटिंग एक्सेसिबिलिटी के ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ पर हैं। ठीक है, ये ऑफ हो रहा है, हम इसको ऑन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ऑन हो गया, अब हमारा काम यहाँ से ख़त्म। बैक चलते हैं, न्यू आइकन कर लेते हैं इसको ऑन, बैक कर देते हैं, बैक बटन चेंज आइकन साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं अपने हिसाब से, जितना भी आपको साइज रखना है बढ़ा सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर रख सकता हूँ इसको। ठीक है, अब देखिए मेरे मोबाइल पर ये बटन बन करके आ गए हैं। तो दोस्तों, ये देखिए मेरे स्क्रीन पर आपको बटन दिख रहे होंगे और ये देखिए, ये देखिए मैं इन पर ही टच कर रहा हूँ और देखिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने मोबाइल में ऐसे ही बटन लगाना चाहते हैं नीचे, ये जो बैक बटन रहता है, होम बटन रहता है, मेन्यू बटन रहता है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं इस एप्लीकेशन की मदद से। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, याद करोगे एक बार यूज करके ज़रूर देखो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, मुझे बस एक लाइक चाहिए आपका। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।